हम इस समय शाहुल आज में है, जापलीनगंज क्षेत्र में है। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज संदीप बंसल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिले के व्यापारी आज एक छत के नीचे एक साथ मिलकर संदीप बंसल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अखिल भारतीय व्यापार मंडल इन दिनों सुर्खियों में है, खासतौर पर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन और शासन तक लड़ाई लड़ रहा है। जब भी कोई छोटा बड़ा आयोजन होता है जिसमें अरविंद गांधी जो प्रदेश लेवल के व्यापारियों के नेता हैं उनकी उपस्थिति बढ़ चढ़ कर रहती है, हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी होती है और जो भी समस्या उसका समाधान भी होता है। आइए हम बात करते हैं कि अपने व्यापारी नेता, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले व्यापारियों के मसीहा के नाम से जानने वाले संदीप बंसल का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उसको लेकर खास तैयारी क्या है और किस तरह का आयोजन है। हम बात करते हैं अरविंद गांधी से कि आज का अवसर क्या है। जी अरविंद जी नमस्कार, आज किस तरह का प्रोग्राम है? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय संदीप बंसल जी का 9 जून को जो है जन्मदिन है और इस दिन को हम लोग सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन जो है हम लोगों को एक ऐसा नेता मिला जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए जो है निरंतर जो है काम करता है और इनके संघर्षों से व्यापारी समाज के जो जीवन स्तर है, जो उसका शोषण उत्पीड़न होता था, जो उस पर अत्याचार होता था, बहुत हद तक कम हुआ है। और बहुत सारे चीज़ों को जो मैं आपको बता दूं, जो बलिया से उठ के राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया, जैसे व्यापारी पेंशन योजना हमने वो भी चालू हो गया है। हमने मांग किया था कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए तो उसके जगह पर व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का हर ज़िले में गठन हो गया है। उसके बाद जो है जो GST में दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख था, पिछले सरकार में योगी जी से हम लोग ने मांग किया तो 10 लाख हो गया है। ऐसे तमाम जो व्यापारी हित में मुद्दे हैं जिसको हम लोगों ने बलिया से उठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको अपनी आवाज़ दिया, संगठन ने आवाज़ दिया और उसको भारत सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगा। जैसे हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग किया था वो भी उत्तर प्रदेश में लागू है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का व्यापारी समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और यह महसूस कर रहा है कि हमारी चाहे जो भी समस्या होगी अगर हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्लेटफार्म पर उठाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं तो बात सुनी जाती है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगर इसको बनाने का श्रेय अभी हम लोग के पिछले 12 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और इस सरकार के सबसे वरिष्ठ सदस्य विधानसभा के और वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे, मुख्य अतिथि थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार बनाने में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर जिले में हम लोग, हमारा संगठन, हमारा नेता, हमारा टीम जो है लग के जो है सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आदेश में ऐसा कोई भी लाइन नहीं होता है कि जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो, लेकिन उसको जब जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसका व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है और हम लोग इस बात को उठाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अतिक्रमण की बात ले लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो है व्यापारियों के साथ संवाद करके, व्यापार मंडल के साथ संवाद कायम करके किया जाए,
लेकिन आपने देखा होगा कि बलिया में बिना बैठक किए बुलडोजर और जेसीबी चलने लगा, लोगों को नोचने, दुकानें गिराने लगी। तो हमने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बात किया, तब जाके उन्होंने बैठक बुलाया, और वो भी बैठक क्या बुलाया, कोरम पूरा किया। लेकिन जब उसको मैंने बहुत व्यापक स्तर पे हमने ट्वीट किया, हमने सोशल मीडिया पर अधिकारियों के यहाँ जब इसको हमने भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश ये है और इसका पालन नहीं हो रहा है, आपको करना चाहिए, तब जाके हर थाने वाइज जो है बैठक हुई। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कुछ बाजारों में बैठक नहीं हुआ है। यहाँ तक उनका आदेश है कि पटरी के दुकानदारों के प्रति सहानुभूत रखा जाए और उनको पुनर्वास की पहले व्यवस्था की जाए तब हटाया जाए। मैं आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कर रहा है। चीत बड़ा गांव में आप देखिए दोनों तरफ जो है 50-50 फीट जो है बीच से नाप के पूरे व्यापारियों को उजाड़ दिया गया। कहाँ पुनर्वास किया गया? तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी का आदेश व्यापारी हित में है, तो दूसरी तरफ जिले प्रशासन जो PWD के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनका व्यापारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो कुछ नहीं समझते हैं, सीधे जो है अपना जो काम है कर जाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना पड़ेगा कि आप लाख अच्छा से अच्छा कानून बना लें समाज हित में, चाहे किसी वर्ग और जात के हित में, क्षेत्र के हित में, अगर उसका कार्यान्वयन अगर उस रूप में नहीं होगा तब तक वो लाभ नहीं मिलेगा। और सरकार की छवि तो धूमिल हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा नहीं बल्कि जो उनके हाथ पैर प्रशासन है उनके कार्यशैली की वजह से और उनकी तानाशाही रवैया की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ, अरविंद गांधी ने बताया कि जिस तरीके से व्यापारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके रोजी और रोजगार के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं वो सब। व्यापारियों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था की जाए, इसके बाद खासतौर पर उन्होंने बताया कि पटरी दुकानदार संघ, जो पटरी दुकानदार हैं उनको भी उजाड़ा जा रहा है, लेकिन उनको कहीं अलग से व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके परिवार के सामने रोजी और रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर अरविंद गांधी मैदान में है, व्यापारियों के सम्मान में है। क्या कह रहे थे सर दूसरी कोई बात? ये है कि जैसे बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग के अधिकारी जहाँ उनको पैसा मिलता है वहाँ सब ठीक है, लेकिन जहाँ पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा कम बेसी होता है, तो वो पूरा वो परेशान करते हैं और FIR भी कराते हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारी इसमें लिप्त है वो भेदभाव भी कर रहा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सड़क खाली कराया जाए, नाली साड़ी खाली कराए जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक पहलू है कि अगर जाड़ा गर्मी बरसात में अगर सड़क के ऊपर अगर दुकान के ऊपर थोड़ा सा शेड नहीं होगा तो जरा आप बताइए कि दुकान के सामान की सुरक्षा होगी? ग्राहक बैठ पाएगा? दुकानदार सुबह से शाम तक बैठ पाएगा? अगर उस शेड से सड़क का आवागमन बाधित नहीं होता है, अतिक्रमण बाधित नहीं होता है, तो उस शेड को नहीं हटाना चाहिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अरविंद गांधी ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू है, मानसून का वक्त है, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो अपने दुकानों को आगे टिन शेड लगा के सामानों को बचाने का प्रयास करते हैं, स्वयं अपने भी बचने का प्रयास करते हैं। यदि उससे आम जनता को सड़क पर पटरी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसको न निकाला जाए, उसके निकलने से दुकानदार परेशान होता ही, सामान भी नष्ट होते हैं बरसात के दिनों में, धूप में है, काफ़ी गर्मी है। फिलहाल जो भी है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।